वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है सचिन और आज मैं आपको इस वीडियो के ज़रिए बताना चाहता हूँ कि आप अपनी फ्रेम जो है फेसबुक पे कैसे पब्लिश करें। अगर आपने आपकी खुद की फ्रेम बना ली है और उसे पब्लिश करना चाहते हैं तो मैं आपको बताता हूँ। तो आपको पहले जाना पड़ेगा क्रोम में, ओके। फिर जो है आपको फेसबुक लॉगिन करना है, जो मैंने ऑलरेडी कर दिया है। उसके बाद आपको जो हम यह अभी मोबाइल व्यू है तो इसको डेस्कटॉप व्यू मोड करना है, यहाँ पे जाके ओके। फिर यहाँ पे नीचे है रिक्वेस्ट डेस्कटॉप साइट, ओके। अब ये डेस्कटॉप हो गया तो यहाँ पे हमें यूआरएल में एक वेबसाइट पेस्ट करनी है और ये वेबसाइट मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो गो कर देता हूँ। फिर यहाँ पे जो है हमें दिखाई दे रहा है क्रिएट फ्रेम यहाँ पे और यहाँ नीचे भी है, तो हम कहीं पे भी क्लिक कर सकते हैं। तो क्लिक करके आगे चलते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा गेट स्टार्ट, यहाँ पे बिल्कुल नीचे, तो उसको ओके कर देना है। तो यहाँ पे जो है अपलोड आर्ट है तो उसको ओके कर दीजिए। आप अपनी गैलरी से जो आपने फ्रेम बनाई हुई है उसको अपलोड कर दीजिए। फ्रेम के बारे में मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो सॉरी डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं आप, फ्रेम के बारे में मैंने लिखा है, पढ़ सकते हैं। और यह जो मैंने फ्रेम ये अपलोड हो गई है अब हमें आगे जाना है यहाँ पे नेक्स्ट करके, ओके। तो यहाँ पे है आपको इस फ्रेम का नाम दे देना है, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर बाय यसपी, ओके। और यहाँ पे जाके इस फ्रेम का ओनर सेलेक्ट करना है। ओनर कौन रहेगा? आपने जिस अकाउंट से लॉगिन किया है वो ओनर रहेगा। तो यहाँ पे नीचे आइए और यहाँ पे नेक्स्ट कर दीजिए यहाँ पे, ओके कर दिया। फिर एक बार नेक्स्ट पब्लिश के लिए ओके कर दीजिए, सॉरी ओके कर दीजिए, फिर ओके कर दीजिए। फिर आपकी फ्रेम जो है पब्लिश हो रही है। ओके, आपकी जो फ्रेम है पब्लिश हो गई। अब आप बैक आइए और अब आपको चले जाना है आपके फेसबुक ऐप में। उसके बाद आप यहाँ 3 लाइंस का मेनू है वहाँ पे जाइए, ओके कर दीजिए। यहाँ पे व्यू प्रोफाइल को ओके कर दीजिए। फिर आपके प्रोफाइल पिक को आपको टच करना है, ओके। फिर आपको यहाँ पे आएगा ऐड फ्रेम, उसको ओके कर देना है। फिर अभी आपने जो अपलोड की है फ्रेम वो यहाँ आ जाएगी, ये देखिए यहाँ पे फ्रेम यू क्रिएटेड, तो ओके कर दीजिए। फिर ये देखिए फ्रेम आ गई, तो प्रोफाइल पिक को टच कीजिए, ओके। तो यहाँ पे जो हो आपको बहुत सारे ऑप्शंस है कि आप ये फ्रेम अपनी प्रोफाइल पिक पे कितने दिन तक रखना चाहते हैं, 1 घंटा, 7 दिन, 1 महीना या फिर उससे ज़्यादा। मैं 1 घंटे के लिए ही रखूँगा, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है टाइम बदलने के लिए, ओके। तो मैं 1 घंटा लेता हूँ, ओके। और यहाँ पे जाके आप यूज़ कर दीजिए, ओके। तो आपकी फ्रेम जो है आ रही है, ये देखिए हो गई। और यहाँ पे नोटिफिकेशन भी है मुझे 1 घंटे के लिए है, ये देखिए आपकी जो फ्रेम है वो आ गई। अब मैं आपको बताता हूँ आपके फ्रेंड्स को ये कैसी दिखती है, वीडियो पॉज करके दिखाता हूँ। ये देखिए, अगर आपका दोस्त आपके फोटो देखता है तो वहाँ पे उसको बहुत सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं ये कि ट्राई इट, वो कर सकता है। और यहाँ पे है फ्रेम का ओनर दिखाई दे रहा है, तो ओके।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, वरना अनलाइक कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।